आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यहाँ पे मेरे को लगता है कि हम लोग सामाजिक तौर पे अपने आप को बांध देते हैं। सो कॉल्ड ब्रेकिंग द शैकल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माइंड। कई जगहों पे आपने, कई प्लेटफॉर्म पे आपने ब्रेकिंग द शैकल्स पे बात की है, ये क्या है और इस पे भी जरूर शशीष, बताइए। ब्रेकिंग द शैकल्स होता है हमारे माइंडसेट बन गए होते हैं जब हम छोटे होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं हमको सब कहते हैं ये तुम्हारे दायरे में अलाउड है और ये आपके दायरे में अलाउड नहीं नहीं है। है। आपको पता है ना, जब हाथी का बच्चा छोटा सा होता है ना, बिल्कुल और महुआ जो होता है, महुआ जो हाथी के ऊपर जो ट्रेनर होता है उसका, तो वो क्या करते हैं कि हाँ महावर भी बोलते हैं, महुआ भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पैर में ना पतली सी रस्सी बांध देते हैं जब वो बेबी होता है। एलिफेंट रस्सी बांध देता है तो वो बेचारा लगाता है, जोर लगाता है, जोर लगाता है, और वो तोड़ नहीं पाता। उसके बेचारे के पैर में थोड़ा जख्म भी हो जाता है, वो कोशिश बड़ी करता है, बड़ी कोशिश करता है, मगर तोड़ नहीं पाता वो रस्सी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा उस टाइम छोटा था और रस्सी थोड़ी मोटी उसके हिसाब से। मगर अब वो सब ट्राई कर चुका है और फिर उसने गिव अप कर दिया समवेयर इन हिज माइंड। और जब वही हाथी जो बड़ा हो जाता है, जब ह्यूज मैग्नानिमस हो जाता है, नहीं आप बिलीव नहीं करोगे वो रस्सी नहीं तोड़ पाएगा। वो एक रस्सी पे ही कंट्रोल हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसके माइंड में इनबिल्ट हो गया कि मैंने बचपन पैर में में नहीं लगा, वो रस्सी माइंड में वो रस्सी लगा हुआ उसके। लगा है। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ एंड कन्विक्शन टू ब्रेक दैट एंड नथिंग। अब आपको पता है हाथी कितना स्ट्रांग होता है, कितना स्ट्रांग है, बहुत मगर क्योंकि उसके पैर में वो बंधा था, अब वो मेंटल ब्लॉक आ गया उसके वहां, मेंटल ब्लॉक। मेंटल यही है। ब्लॉक। जब हमें लोग कहते हैं कि भाई ये दायरा है, इसमें आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, तो हमारे को भी मेंटली वी आर लाइक, अब मेरे को ये ऑप्शंस हैं, इंटी पिंटी पापा टिंटी टाम टूम ठुस अगली बगली बो आउट बो। हम बचपन में ये गेम खेलते थे, वो नहीं था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे हाँ पूरे बिल्कुल। हम वो करके बोलते थे, अच्छा तू आउट, अच्छा तू आउट, अच्छा तू आउट, अब रह गया हमारे पास। मगर अगर आप कुछ देर इसके बारे में सोचें कि इट इज द कंडीशनिंग दैट हैज मेड यू टू थिंक द वे यू आर थिंकिंग एंड यू हैव द पावर टू चेंज दैट कंडीशन कंडीशनिंग, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। कोई भी चीज, जब आप कोई चीज चेंज करना चाहते हैं अपने बारे में, वेदर इट इज योर ईटिंग हैबिट, वेदर इट्स योर स्लीपिंग पैटर्न, और इट इज द ड्रीम्स यू अचीव, और इट इज द सक्सेस यू आर रनिंग बिहाइंड, व्हाट डू यू डू? एनी चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन टू यू, आई विल टेल यू, इट इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग। बाय द टाइम यू रीच द सेंटर और द मिडिल, यू फील इट इज मेसी, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर सकते, बड़ा मैसी क्या हो बात। गया, हर तरफ से मैसी मैसी। मगर अगर आप लगे रहेंगे ना, अगर आप डटे रहेंगे, देयर यू विल सी दिस ब्यूटिफुल सक्सेस। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क किसी का कहीं भी वेस्ट नहीं जाता है। वो लास्ट हथौड़ा, वो लास्ट हथौड़ा, आदमी कहता है ना, ओहो इसने मारा और टूट गया, ऐसा नहीं होता है। इसने 100 बारी हथौड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ, मगर वो जब 101 बारी मारा तो वो टूट गया। इट इज नॉट दैट वन स्ट्रोक, ऑल दो स्ट्रोक्स पुट टुगेदर दैट क्रिएट, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली इट इज ऑल दो स्ट्रोक्स पुट टुगेदर दैट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। सो डटे रहो, लगे रहो, छोड़ो मत, दैट इज द डेडिकेशन दैट यू नीड टू फॉलो, वेदर इट इज टू बी अ स्टोरी टेलर, वेदर इट इज टू बी अ
बिजनेसमैन, वेदर इट इज टू डू विद बीइंग अ डॉक्टर, कुछ भी, मगर हाँ पैशन होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कोई भी चीज आदमी बिना पैशन के करता है ना, तो पता क्या हो लगता है, काम कर रहे हो। क्या बात, बहुत सही। मेहनत भी लगता है बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, मगर अगर सोचो, अगर आप वो कर रहे हो जिसको आप पैशनेट हो लेके, हाँ, तो काम ही नहीं मेहनत का नहीं लगता। पता चलेगा, वो काम नहीं मेहनत लगेगा। काम नहीं लगेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट फील्स एन एक्सटेंशन ऑफ यू, कितनी कितनी बड़ी आपकी बात है, बहुत पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन बनती है वो। बड़ी बात। एफर्ट नहीं करना पड़ता, इट्स एक्सटेंशन ऑफ यू। आप रियलाइज करोगे आप उसको लव करते हो, यू नो, द मिनट यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू आर एक्साइटेड, आपको करना है करना है, लेट मी डू दिस, आपको ये नहीं लगता फिर ओह माय काम पे गॉड जाना। आज मंडे है, मैनिक मंडे है। बहुत लोगों के मैं ऐसे पोस्ट पढ़ती हूँ और मैं अंदर से हंसती हूँ, लेकिन यार ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो, अगर इतनी तकलीफ में उठ के बोले आए हैं मंडे, मंडे तो आए, हर हफ्ते आता है भाई मंडे।